नमस्कार, मैं गेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप अपना चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। सावधान, झारखंड के 15 जिलों में ओलावृष्टि का मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो झारखंड के 24 में से 15 जिलों में शुक्रवार 17 मार्च को ओलावृष्टि होगी। इसकी सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ेगी। खेत में लगी गेहूं, सरसों, दलहन, फल एवं सब्जियों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग के अलर्ट में इन 9 जिलों का नाम नहीं है जो भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जो नक्शा जारी किया है उसमें कहा गया है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा और गुमला को छोड़कर झारखंड के शेष जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। खेत में लगी फसलों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। सीएम हेमंत ने की कांटाटोली और सीरम टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य की समीक्षा। ट्रैफिक सिस्टम को लेकर दिए निर्देश। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोनों फ्लाईओवर के जंक्शन पर स्मूथ ट्रैफिक के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्हें बताया गया कि बहुबाजार चौक से कांटाटोली फ्लाईओवर और सीरम टोली फ्लाईओवर का जंक्शन बनाया जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद विश्वम गुरु शिबू सोरेन ने मुलाकात की। इस अवसर पर वे विधानसभा सत्र की विभिन्न कार्यवाही से संबंधित गतिविधियों से अवगत हुए और इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी सहित अन्य विधायकों ने राज्यसभा सांसद विश्वम गुरु से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। जमशेदपुर के इस गांव में किसी के घर नहीं जला चूल्हा। शीतला अष्टमी को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान। तो धार्मिक अनुष्ठान में कई मोजा के लोग शामिल हुए। धार्मिक अनुष्ठान में कलश स्थापना के बाद 33 कोटि देवी देवियों का आह्वान, संस्कार, हवन, पाठ तथा आरती किया गया। यज्ञ मंडप में कलश स्थापना के समय जय मां शीतला के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज रहा था तथा पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया था। तो जमशेदपुर के बरसोल के पारुलिया पंचायत अंतर्गत गुरुसराय गांव में बुधवार से शीतला अष्टमी को लेकर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। जबकि धार्मिक अनुष्ठान के पहले दिन में लालसाई गांव के बड़ा तालाब से पंडितों द्वारा पूजा पाठ कर करीब 158 महिलाओं, युवती और पुरुष मिलकर शाम टोला, लालसाई, मंगल टोला होते हुए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्थानीय संकीर्तन मंडली, बैंड बाजे, शंख ध्वनि एवं जय मां शीतला की जय जयकार के साथ मां शीतला मंडप प्रांगण तथा यज्ञ मंडप पर कलश स्थापना की गई। झारखंड के आईआरबी जवान आत्महत्या मामले में सर्जेंट सस्पेंड। आरोपों पर डीएसपी ने कही ये बड़ी बात। तो पलामू के लेस्लीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित जेप 8 कैंप में बुधवार की सुबह आईआरबी 3 के जवान ने कैंप परिसर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। ऐसे में इस मौत से आक्रोशित अन्य जवान आंदोलन पर उतर आए हैं और जवानों ने सर्जेंट कमलेश दुबे के साथ मारपीट की। पलामू के पुलिस अधीक्षक साथ जेप के समादेष्टा चंदन कुमार सिन्हा सूचना मिलने के बाद लेस्लीगंज कैंप पहुंचे, जहां आक्रोशित जवानों ने एसपी साथ जेप समादेष्टा के समक्ष डीएसपी, सर्जेंट व लाइनमैन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं डीएसपी ने भी सभी आरोपियों और आरोपों के सिरे से खारिज करते हुए निराधार बताया। झारखंड कैबिनेट, होल्डिंग टैक्स निर्धारण में बदलाव, शर्तों के साथ शैक्षणिक संस्थानों को 75% की छूट। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके तहत राज्य में होल्डिंग टैक्स के निर्धारण में बदलाव हुआ है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों को होल्डिंग टैक्स में 75% की राहत दी गई है। इसके अलावा 5 किलोवाट तक उपयोग करने वाले ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिहार जा रहे कंटेनर से 1000 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। तो बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर संजय कुमार व नवा बाजार थाना के पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान प्रभारी थाना प्रभारी नंद कुमार दास ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लेकर वाहन बिहार की ओर जा रही है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण रहा। साहिबगंज डीसी ने लिया सेंटर्स का जायजा।
तो जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण रात साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव ने विभिन्न परीक्षाओं केंद्रों का जायजा लिया और इस दौरान शिक्षक समेत अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए।